प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में बना लखनऊ का सिविल अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें, एक दिन पहले यहां पर फर्श पर तड़पते मरीज की फोटो वायरल हुई थी। जब डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अस्पताल के निर्देशक को इस मामले में तलब किया, तो वहीं डिप्टी सीएम ने सिविल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर आनंद ओझा से प्रकरण पर स्पष्टीकरण मांगा है। बाद में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके डिप्टी सीएम ने इसकी जानकारी भी साझा की। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में अत्यंत दुखद स्थिति में मरीज का फोटो वायरल हुआ है। किसी भी मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं है। वहीं इस मामले की जांच अस्पताल के निर्देशक करें, साथ ही मरीज को मुनासिब इलाज न मिल पाने के कारणों का भी स्पष्टीकरण दें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।